हमारी आज की जो स्पेशल मेहमान है अदाकारा हैं, फिल्म्स कर चुकी हैं, इंडिया में जाके फिल्म की है, पाकिस्तान में बेशुमार ड्रामे उन्होंने किए और उनके पूरा खानदान ही जो है वो फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता है। मतलब जिस कमरे में आप जाएंगे आपको एक एक्टर वहां से निकलता हुआ मिलेगा, एक सुपरस्टार मिलता हुआ उनके घर में मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ मोमल शेख साहबा की। वालेकुम सलाम, कैसी है मोमल? खैरियत से हैं आप? ऐसे ही होता होगा आपके घर में, यहाँ गई तो जावेद साहब है, वहाँ गए तो फिर शहजाद है, शादी हो गई है तो घर में, मतलब जब आप जावेद साहब के घर में होती है जी, फिर जी, वो बहरोज अंकल आ रहे हैं कहीं से, वो ईद पे ऐसे ही माहौल होता है, ऐसे ही होता होगा। तो गॉसिप बड़ी होती होगी वैसे जब सब साथ बैठते होंगे? नहीं गॉसिप तो नहीं होती, बट कौन अच्छा काम कर रहा है, किसने क्या पहना, ये सारी बातें तो ये डिस्कशंस होती हैं। और जब मैं बीच में जाती हूँ तो मुझे कहते हैं आप साइड बैठे अभी हम बड़े बात करें, एंड आई एम लाइक हाँ। इतने माशाल्लाह आपने इतना काम किया, आपकी बात की कोई वैल्यू तो होगी ना? घर पे ना वो मुर्गी दाल बराबर, मुर्गी दाल बराबर, वो आला हिसाब, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। लेकिन आपके घर पे मतलब यही डिस्कशन होती होंगी ना, यार फला देखो पता नहीं पच्ची पे आ गया, फला अच्छा एक्टर है, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, अच्छा सारी चीजों पे, सारी चीजों पे, डेफिनेटली सारी चीजों। अच्छा लास्ट सीजन में आप तो नहीं आई थी लेकिन शहजाद हमारे शो पर आए थे जी, बिल्कुल, जावेद शेख साहब हमारे शो पर आए थे, बिल्कुल, जावेद शेख साहब बुलाया नहीं था लास्ट ईयर, पैसे खत्म हो गए थे बाप बेटे को देने के बाद, बाप बेटे को इतने पैसे दे दिए, हमने कहा फिर नेक्स्ट सीजन में जो है वो बेटी को बुलाना पड़ेगा, शॉर्ट बजट जी जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जावेद साहब जब हमारे शो पर आए थे, जितने भी 30 दिन हमने प्रोग्राम किए, बड़े बड़े स्टार्स आए, जावेद साहब बड़े स्टार हैं लेकिन उनसे ज्यादा हम्बल शख्स मैंने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, है ना? बिल्कुल, आपके तो अब्बा जी हैं, बिल्कुल, लेकिन मेरा तो न्यूट्रल वोट है। हाँ बिल्कुल मेरे अब्बा जी हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि इतने हम्बल, इतने पेशेंस, मतलब मैं हीरो फील कर रहा था उनके आगे, इतने हम्बल थे, मुझे उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे किस्से सुनाए थे, बहुत किस्से सुनाए और बड़े हम्बल, उस दिन खड़े चाय पी रहे थे याद है? एग्जैक्टली, सीढ़ी के पास मजेदार किस्से सुनाए, स्टाफ के साथ बैठ के आराम से सीढ़ियों पे चाय पी रहे हैं, मैंने कहा यार पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स हैं ये, कहीं पे भी जाती हूँ यही स्टार्स को ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल, नखरे दिखाते हैं ना तो हाँ। बाद में पीछे लोग कहते हैं कि यार वो कितने नखरेबाज थे, और अब हम तारीफ ही कर रहे हैं ना शेख साहब, बिल्कुल बिल्कुल, टच माय हार्ट जिस तरह उन्होंने, बिल्कुल, क्योंकि मैं बड़ा घबराया हुआ था जब इतना बड़ा स्टार आपके सामने, आप पहली दफा उनका इंटरव्यू कर रहे हो, सियासतदानों के इंटरव्यू करते हैं नॉर्मली, तो वो मेरे लिए बड़ा एक स्पेशल मोमेंट था, बट वेरी इजी गोइंग, बड़ा मजा आया। जैसे मैंने कहा था एक और शेख साहब भी हैं, उन्होंने शैतान वाली बात की, अग्री करती हूँ, शैतान मुझे नहीं पता था कि मैं शेख हूँ, बाद में पता चला मैं शेख हूँ, तो आपको कब पता चला? मैं एक्चुअली किसी को दफनाने के लिए जा रहा था तो ईदी वालों ने पूछा आपकी जात क्या है, मैंने उस वक्त पता चला, मैंने अपने ताया को फोन किया, मैं कौन था, हम लोग कौन है, तो उन्होंने कहा आप छुपे हुए शेख थे, आप छुपे हुए शेख। एक और शेख साहब है जिनके लिए कल बड़ा अहम दिन है क्योंकि वो सेनेट का इलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी के अगेंस्ट लड़ने जा रहे हैं, और अगर वो वैसे भी इस वक्त मुशीर खजाना है लेकिन फिर वो वफाकी वजीर हो जाएंगे बाकायदा अगर वो जीत जाते हैं, लेकिन बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है उनका यूसुफ रजा गिलानी साहब से। हफीज शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, अकेले बुलाया था आपको, आप एक साथ में स्टेमरी भी लेकर आ गए। आपसे गुजारिश है जरा आज आहिस्ता बोलिएगा, सुबह आपने इलेक्शन नहीं लड़ा कितना यार? अच्छा मैं सबसे पहले तो दो तीन चीजें अगर आप इजाजत दें तो चाहता हूँ अपने बारे में क्लेरिफाई कर दूं। आपकी दो तीन चीजों का मतलब है दो तीन घंटे? नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास। लिसन, लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि मैं इम्पोर्टेड, मुझे बहुत दुख होता है, ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ी आप पे। मैं इम्पोर्टेड नहीं हूँ, मैं लोकल स्टफ हूँ। अच्छा, आई मीन मुझे याद है हमारी ख़ानदान की क्या क्या कुर्बानियाँ हैं तहरीक में, मुझे आज भी याद है कि जब खुतबा आलाबाद 1930 में हो रहा था तो मेरे दादा को ये एजाज़ हासिल है कि वो हॉल में बैठे तालियां बजा रहे थे। उसके बाद मुझे याद है मेरे नाना जान लखनऊ में तहरीक आज़ादी के दौरान शेव कर रहे थे तो ब्लेड से उनको कट लग गया, तो हमें ये एजाज़ भी है हमने तहरीक आज़ादी के दिनों में अपना खून बहाया, खून बहाया शेव करते हुए रेजर से कट। उसके बाद दो तीन बॉटल तो भर गया होगा आज़ादी के बाद। मेरे खालू मुझे याद, बड़े डीप रूट से मैं समझ गया, लेकिन आप पर एतराज ये होता है शेख साहब, उनको बताना, एतराज ये होता है, क्लेरिफाई करना जरूरी है। शरद साहब के साथ आप थे, सुबह इलेक्शन है प्लीज, अब बहुत टू लेट, जिसने ज़हन बनाना था बना लिया, मेरा ब्लड प्रेशर, जिसने ज़हन बनाना था बना लिया, जिसने माल लगाना था लगा लिया, इट्स टू लेट नाउ, जो अब आपकी किस्मत है वही होगा आपके साथ। लेकिन मुझे एक जवाब देना शेख साहब, एतराज आप पर ये है, मुशरफ साहब के साथ थे कैबिनेट में,
हुकूमत खत्म हुई आप भी चले गए, पीपल्स पार्टी के साथ आप थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई आप फिर चले गए, और यही शक का इजहार अभी भी आप पे किया जाता है कि आप फिर भाग जाएंगे। आप मुझे उस बिल्ली की तरह समझ रहे हैं जिसे नहर पे छोड़ के आओ, आपसे पहले घर वापस आई हुई होती है। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन लें, मेरी फैमिली की जो कुर्बानियां आप उसको एक्नॉलेज तो करें, सुन तो लें मेरी जी, बात सुनाइए। जिस जमाने हम उस जमाने से हाँ। बजट बना रहे हैं, जिस जमाने में लोग बजट को जट का बेटा समझते थे, आज भी देख लें, डॉलर की कीमत, डॉलर की डिमांड कम हो गई, पेट्रोल की डिमांड कम होगी, लेकिन हफीज शेख की डिमांड महंगा इतना हो गया ना, डिमांड कम होगी इसलिए हफीज शेख की डिमांड आज भी महवेश हयात से ज्यादा है। आपके सामने है सारी मेरी परफॉर्मेंस, मेरिट पर आप फैसला कीजिए। अच्छा। शेख साहब आप बैठे हैं वहाँ पर, मेरे ख्याल से आपको इसकी जरूरत नहीं, आप जट दखड़ाक हो, वैश्य गुजर हो, ग्रूव मेरा हो, हाँ, नया कैसा लगा, गाना अच्छा लगा आपको, इन सब के बजट बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल। बस ठीक है, अभी आपसे इस प्रोग्राम का बजट बनवाते हैं। मुमल शेख आई हुई है, हफीज शेख भी है, आज तो शेखों की हैट्रिक हो गई। या शेख एदर वेख, जब आपका वो हैप्पी भाग जाएगी हाँ, की शूटिंग हिंदुस्तान में चल रही थी तो मैं भी हिंदुस्तान के दौरे पर आया हुआ था। अच्छा। और मैंने वहाँ आपके सेट पर आकर आपसे हराम में एक तस्वीर भी खिंचाई, जानते क्यों? किसी ने खिंचवाना ही नहीं दी शहजादा। तो अब आप कैमरा निकालेंगे अपना? आई टेल सेल्फी मोमेंट, मुझे प्लीज ये करने देना, से चीज पता नहीं सुबह मेरा क्या बनता है, आज हंसते हुए तस्वीर चीज, यस थैंक यू। चले जी, अब आप तशरीफ रखिए ताकि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएं। किसको सपोर्ट करें मोल पीएसएल में? जाहिर सी बात है कराची से ताल्लुक है हाँ। तो कराची के, मैंने आपकी पुरानी फुटेज आप देखी, शायद उसमें आप पेशावर जर्मी को सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, मैं इनिशियली मुल्तान सुल्तान के साथ, मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही थी। यस, दो साल वो था और जर्मी भी पसंद है बट ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने बड़ी ट्राई किया कि मैं अपनी रिसर्च करके जाऊँ कि अब। ओहो, बताइए फिर आपने क्या रिसर्च की? नहीं, मैंने फिर नहीं की। क्यों? मैंने कहा आप लोग मुझे बता देंगे, आप लोग किस लिए हैं फिर? नहीं, हम बता देंगे, आप पूछे हमसे, सीखो भाई तो एनसाइक्लोपीडिया है। मैंने एक मैच देखा है और मुझे बहुत पसंद आया था वो मैच, आखिरी के कुछ ओवर से जल्मी एंड क्वेटा लास्ट मैच, तीन चार दिन पहले था ये मैच, और 40 रन थे और 20 बॉलें थी, 40 ऐसा ही है, 18 बॉल पे कुछ 36 छक्के, कराची वाली बात करें, कराची नहीं, सर वो वाली बात नहीं, वहाब रियाज ने आके दो छक्के मारे थे, बिल्कुल छक्के चौके, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया था। मुझे क्रिकेट देखने का अगर शौक है सो ऐसे मैचेस बस जब किससे, जब मैच आखिरी आखिरी लम्हों पे हो और उस वक्त जो इंटेंस होता है। कराची की परफॉर्मेंस तो मिली जुली है, दो मैचेस जीते हैं, दो हारे हैं, उम्मीद है आपको कि कराची क्वालिफाई कर जाएगी, जीतेगी इंशाल्लाह, हमारी दुआएं साथ हैं। एक ब्रेक के बाद हॉट सीट पे हमारे साथ मुमल होंगी और इनसे बहुत सारी बातें हमने करनी है, आप लीजिए एक ब्रेक, इसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट, आज हमारी खास मेहमान है मुमल शेख और आज हमारे साथ हफीज शेख साहब भी मौजूद है। शेख साहब, कल आपका इलेक्शन है, अगर हार गए बेइज्जती तो बड़ी होनी है, खान साहब की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी और ये जो बची कुची आपके पास इस वक्त है वजाहत, वो भी चली जाएगी। आपकी जुबान काली तो नहीं है, मुंह से अच्छी बात निकालो। देखें, पहली बात तो ये है कि हम इस बार पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो अली भूसा गिलानी की आपने वीडियो देखी, अली हैदर गिलानी जी, बड़ी ये मैं वोट की पर्ची साथ लाया हूँ, व्यूअर्स को बता सकता हूँ, कुछ कोशिश करे कोई वोट पे कुछ ना लिखे, जैसे आयला वतीका वगैरह, कोई दिल में से तीर गुजरता हुआ किसी औजार वगैरह की, ताकि वोट रिजेक्ट ना हो जाए, मुस्तरद ना हो। इलेक्शन कमीशन से मैं दूसरी दरख्वास्त करूंगा, वोट डालने वालों को बैन कर दें कि वो चॉकलेट खाकर वोट डालने ना आए, वो केला खा के, हर वो चीज़ जिससे चिपचिप होती है, मेरा वोट खराब हो गया। आपके पास तो खजाना है, पूरा कौमी खजाना, उसका मुँह खोल दें। देखें, मेरी बात सुने, हमारी तैयारी पूरी है, मैं वर्ल्ड बैंक का एम्प्लॉय रहा हूँ, कोई कौड़ा तेल बेचने वाला मालिक नहीं, तो मैं अगर चला भी गया मुझे लाने वाले फिर ले आएंगे, यानी आवाम के दिलों से मुझे। और अभी आप ये देखें कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ, अभी कुछ नहीं हूँ ना, जब मैं जीत गया तो अंडी पा देने, चले फिर उसका इंतजार करते हैं, जब तक मैं मुमल शेख से बात करूंगा, हमारी आज स्पेशल मेहमान है। अच्छा जी, मैंने आपके हवाले से ये पढ़ा है कि आपको फैमिली की तरफ से कुछ रिजर्वेशन थी कि आप एक्टिंग या ऑन स्क्रीन ना आए,
और फिर शादी के बाद आप गाले बनाइए, तो इसकी वजह क्या है? क्या एतमाद नहीं था कि आप अच्छी एक्टर एक्टिंग कर सकती है, या कोई और वजह है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ था कि हाँ। और ना मेरा था इरादा कि मुझे एक्टिंग की तरफ आना, हमेशा शहजाद का था बिकॉज हाँ। वो पढ़ने भी गया था, उसने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पूरी एक्टिंग का कोर्स भी किया, बट मेरा प्रोडक्शन के टूवर्ड्स था एंड मैंने एक चैनल में काम भी किया लाइक 2 ईयर्स एक्टिंग। बस शादी हुई एंड दिस इज फ्रेंड, बल्कि हस्बैंड की दोस्त थी, म्यूचुअल फ्रेंड, उन्होंने कहा एक ऑडिशन दे दें आप। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा तो है ही नहीं सीन, एक्टिंग तो मुझे ना आती है ना मुझे पता है बट आई मीन लाइक आई कांट डू इट। बस वो ऑडिशन दिया, वो पास हो गया, उन्होंने कहा यू हैव टू डू इट एंड ये वो, तो बस गाड़ी चल पड़ी। अच्छा, ऑडिशन खुद, क्योंकि जब भी कोई एक स्टार के बच्चे होते हैं तो उनसे ये सवाल होता है, मेरिट पे हुआ था या सिफारिश लगाई थी अब्बा जी ने? अब हाँ, मैं क्या बोलूँ, पड़ोसी मुल्क में पैदा हुए होते तो कुछ और होता वहाँ पे ये सब सिस्टम चलता है होगा, यहाँ पे आपने देखा पिछले दिनों शहजाद ने एक प्रोग्राम में ये कह दिया, जावेद साहब साथ बैठे थे वसीम मदावी के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, उन्होंने मुगल सिफारिशें लगवा दी। ये मैंने जब ये हुआ, ये मैंने शो देखा और रात में इत्तेफाक से मैंने देख लिया एंड किसी ने मुझे टैग किया हुआ था, तो मैंने शहजाद को दूसरे दिन बोला, मैंने कहा तुमने कब किया? मैंने हाँ। तो मैंने कहा घर की जिद और काम की जिद में बहुत फर्क होता है, मैं घर के सारे काम पूरे करा देती हूँ। कौन सा बदला निकाला है ये, कौन सा तुमने मेरे साथ बदला किया? आज तक एक फोन कॉल किया उन्होंने या कोई ड्रामे के लिए या कोई एड के लिए किसी चीज के लिए भी आज तक बाबा ने कोई फोन नहीं किया। बातों बातों में बस कुछ बोल डाला, कुछ लगता है समझ नहीं आ रहा था। बैकग्राउंड होगा, आपसे लड़ाई भी होगी उसकी शायद? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, अब लड़ाई हो गई है इस बात पे, अब हो गई है। सुनाई आप कान खींचे शहजाद के? बिल्कुल, प्लीज। नहीं, मैं क्या खींचूंगा, आप? अच्छा नहीं, मैं भी खींच लूंगी, आपसे मुलाकात हुई तो आप भी खींच लीजिए। मैं तो कहूं ये कैसे इल्जाम लगाया आपने, है ना, बस बैठे बैठे। हालांकि ये मुमकिन ही नहीं, जितना गरीबों के लिए ये दर्द दिल रखती है, मैंने खुद देखा है, अक्सर दरबारों पे जब देख खुलती है तो ये वैसे ही खड़ी हो जाती है, प्लीज इनको भी दें, प्लीज इनको भी दें, अब मुझे भी दे दें, मैं थक गई हूँ खड़ी खड़ी। वो अच्छा, उनको तो इग्नोर कर रहे हैं, उनका इलेक्शन में बड़े परेशान है। मैंने आपके इंस्टा पे भी देखा है, आप अक्सर अपने डांस की वीडियो भी लगाती रहती हैं, ये पार्टी का जो आजकल ट्रेंड चला है उसकी भी आपने वीडियो लगाई थी। मैंने कहा आपसे फिर पूछना चाहिए कि हमारे सियासतदान भी अक्सर अपनी बोर सियासी तकरीरों से निकल कर डांस कर देते हैं जब मूड में होते हैं, तो मैं जरा आपसे पूछूं, आपने रेट करना है कि इनमें से सबसे बेहतरीन डांस किसने अच्छा किया है और सबसे बुरा किसने किया है। इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, चलें दिखाइए वन बाय वन। दारी साहब, परवेज खटक के बारे में इल्जाम लोग ये लगाते हैं कि वो डांस नहीं कर रहे थे, उस दिन हवा ज्यादा चल रही थी, उनके मुखालफिन ऐसे इल्जाम लगाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं डांस करने में इतना बुरी बात नहीं, बुरी बिल्कुल नहीं है, तभी तो कह रहा हूँ आपसे, बताइए ना। मैं तो बड़ा, मुझे मैं तो बड़ा एंजॉय किया, आई मीन खुश हो रहे, एंजॉय कर रहे, करना नहीं, चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं तो पूछ रहा हूं सबसे बेहतरीन किसने किया, अच्छा, ये रेट आपने कर रहे हैं। अच्छा, मैंने करना है, मैं तो आई गेट रियली हैप्पी कि ये सीरियस डिस्कशन से निकल के जो है डांस कर रहे थे, देयर इज अ लाइटर साइड। आई थिंक सो आई विल गो विद द सिंधी सॉन्ग बिकॉज़ मेरी अम्मी सिंधी है, सो आसिफ ज़रदारी साहब। ओके, नंबर 1 ये है, फिर नंबर 2। अच्छा, रेटिंग है, ओके, 1 to 5 रेट करना है। असदुल्लाह साहब थे, डॉक्टर फारूक सत्तार है, ये फारूक सितार साहब भी अच्छा कर रहे हैं, हाँ फुल। चले सेकंड इनको रख लेते हैं, सेकंड इनको रख लेते हैं, थर्ड करते हैं, बाकी आखिरी 2 फेल हो जाएंगे। लतीफ खोसा साहब, मैं देख रहा है ये भी, हाँ ये खुल के कर रहे हैं, खुल के थर्ड इनको दे देते हैं। खोसा साहब को देख के ऐसे नहीं लग रहा टेनिस बॉल जंप कर रहे हैं, बस आप भी कल जीत जाएंगे तो आप भी ऐसे ही भगड़ा कर रहे होंगे मेरे ख्याल से कल, है ना, आप नेशनल असेंबली में, और अगर हार गए तो सैड सॉन्ग पे कुछ यार मुझे बुरी बात मत निकाल लो, हार गया मैं सैड का वास्ता है, मुझे बुरी बात कोई ऐसा रिजल्ट कब तक आ जाएगा? कल ही आ जाएगा सर, 5 बजे तक, कल ही आ जाएगा, उनको अपनी तकदीर का फैसला कल ही मिल जाएगा। कितने बजे तक, कोई आईडिया? हाँ, शाम तक जब पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा, तो आप इनको कल दोबारा शो पे बुला लीजिएगा। अगर जीत जाएंगे तो मेरे ख्याल से लिफ्ट ही नहीं कराएंगे, हार जाएंगे तो रो रहे होंगे घर पे बैठ के, दोनों सूरतों में नहीं आ सकते। ये भी है, थोड़ा यस एंड नो पे हम सवाल करते हैं, बीच में और भी हमारे पास मजेदार सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि अगर मैं जावेद शेख की बेटी ना होती तो आज यहाँ ना होती? नहीं, ऐसा होती। ठीक है, शेरोज सबजवारी शहजाद शेख से अच्छे एक्टर हैं? ये सवाल क्यों? I mean, ये हर शो में जरूरी होता है। अच्छा, हाँ अच्छा, ओके, हाँ जरूरी होता है, मेरे ख्याल से मुश्किल है जवाब देना शायद, इसलिए आप जवाब देंगे, वो देंगी जवाब, आपको पता नहीं है वो कितनी, आप दें, आप जवाब दें, हम असल में गुल्ली कराते फंसाते हैं ताकि घर पे जब आप जाए तो फिर वो कहे शिकायत हो, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। ये सवाल आपसे, शहजाद या शेरोज? नहीं, शहजाद
शहरोज या शहजाद? अच्छा ओके, मेरे मेरे से पूछेंगे। हाँ, आप से पूछ रही हो? आई थिंक शहजाद। शहजाद जी, शहरी, देन आई विल चूज यू। ओके, बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। मैं तो इसलिए कहा शहजाद हम नाम है ना, मैंने कहा सही है शहजाद। चलिए ठीक है। इंडस्ट्री में माहिरा खान के अलावा मेरी कोई दोस्त नहीं है? नहीं नहीं, काफी हैं दोस्त हैं, बट माहिरा इज ऑन द टॉप। ओके, फिल्म वजूद को प्रोड्यूस करते वक्त मैंने उसका स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था। नहीं नहीं पढ़ा था, ऑफकोर्स पढ़ा। ओके, मैं शायद समझ रहा था आप कह रही हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ मजे का जवाब देने की कोशिश कर रही थी, मैं नाकाम हो गई। दे दे मजेदार जवाब, देते मजेदार जवाब के लिए हम बैठे हुए हैं यहां पे। पढ़ा होता तो फिर आप समझ ही गए होंगे। पैसा आपका डूबा या वालिद साहब का डूबा उसमें? दोनों का। तो 3.5 करोड़ कमाए थे फिल्म ने, तो डूबा कितना? Let's just not go there. अच्छा खासा। अच्छा, नहीं नहीं, इतना नहीं, कोई इतना भी नहीं। आपको पता है काफी जगहों से आप फिर कर लेते हो रिकवर भी, यू नो। अच्छा, स्ट्रेटजीज होती हैं। ओके, और आप तो वैसे भी बड़ी एडवेंचरस हैं। आपको पता है इन जैसी लड़कियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है चलती बस में से छलांग। एडवेंचरस हैं, हर बार कुछ नया करके दिखाना है इन्होंने। शेख साहब वैसे तो बड़ा धीमा बोलते हैं, यहाँ पे आपका पेस बड़ा पेस पकड़ लिया आपने। कल इलेक्शन है, ये हफीज शेख में से अली मीर निकल आया एकदम से। मेरी एक्चुअली ड्राइंगें हिल गई थी इधर। तो क्या अब पीडीएम तो बड़ा डैमेज करने जा रही है कल आपके सामने लड़े? हमने इस बार पीडीएम की कमजोरी का फायदा उठाया। जानते हैं कैसे? आप क्यों हंस रहे हैं? मौलाना साहब की कमजोरी से हमने बहुत बड़ा फायदा उठाया। अच्छा। हमने चीनी महंगी कर दी है। हाँ। मौलाना की कमजोरी हलवा है, अब धरने पे वो हलवा तो सर नहीं कर सकेंगे। अच्छा। तो यकीनन हमारी क्या हुआ देखो, आवाम का जूस निकाल के आप हमें ये मंतक दे रहे हैं कि चीनी इसलिए महंगी की है। आप मोमल से बात करें ना, मोमल से। मोमल नहीं, मोमल है। मोमल शेख से। आपने मोमल को कभी रक्षे वाले से बात करते हुए देखा? नहीं। एक्सक्यूज मी भाई, डिफेंस जाना है, कितने पैसे बाजी? जी नहीं, बिल्कुल मैं ऐसी बात नहीं करती हूँ भाई, डिफेंस जाना है लोगे। ये जो होते हैं ना कि फॉरेन एक्सक्यूज मी, नहीं भाई, इनका मीटर घुमावा है। पता है हमें सब्जी कितने की है, पता है हमें कितने का मिलता है सब कुछ। चले जी, मैंने बहुत सी फिल्म ऑफर्स को रिजेक्ट किया है। नहीं ऐसी कोई। ओके, इंडस्ट्री में ग्रुपिंग की वजह से अक्सर एक्टर्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। ऐसी भी कोई बात नहीं है, टैलेंट हमारा बहुत ज्यादा है और सबको मिलता है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो आप लोगों ने अपना एक शेखों का ग्रुप बनाया हुआ है वैसे? बनाया होता ना। हाँ। तो छाए हुए होते हैं, छाए होते हर फिल्म, हर ड्रामा, हर चीज उसमें आप लोग जैसे कि बाबा कर रहे होते हैं। हां, यू नो, मैं तो देखा जावेद शेख साहब के बारे में, हमने कहा ना वो क्या किसी की पर्ची लगाएंगे, वो खुद ही इतने हम्बल है बेचारे। Exactly. हाँ। बस आप दे बता दें प्लीज आवाम को। मैं तो गारंटी दे दी है। थैंक यू। 2 साल गारंटी, आगे मुझे नहीं पता। ठीक है जी, नाजरीन ड्रामे में रोती धोती मजलूम औरत को बहुत पसंद करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन इतना भी मजलूम नहीं दिखाना चाहिए, औरतें स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। बुश में भी आपका कैरेक्टर ऐसा था। तो मैं इतनी माशाल्लाह, आप सब जब आती हैं खवातीन इतनी एम्पावर्ड हैं और फेमिनिज्म आप में झलकता है, बात करते हैं आप इसकी, लेकिन ड्रामों में रोल आप लोग इस तरह का करते हैं और ऐसा लगता है कि इस चीज को प्रमोट किया जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हर कैरेक्टर आपका ऐसा होता है। इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर टू कैरेक्टर, एंड वो एक जिंदगी का कुछ हिस्सा दिखा रहे होते हैं, अप एंड डाउन। तो एक हिस्से में वो जब दब जाती है या वो दुखी होती है तो उसको मजलूम दिखाया जाता है, तो उस वक्त कुछ थोड़ा बहुत रोना धोना हो जाता है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, इवॉल्व नहीं होना चाहिए हमें इन कैरेक्टर्स से बाहर निकल के। ठीक है, शायद एंड में आप लोग दिखाते हैं कि वो मजलूम औरत शायद अपने हक के लिए लड़ती है, इंसाफ मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन जब एक आप इतना पूरा ड्रामा में रोना धोना दिखाते हैं और लोग, मुझे पता है वो देखते भी हैं टीआरपीस की वजह से, तो इससे हमें इवॉल्व नहीं होना चाहिए, बेहतर नहीं हो सकते हमारे? हो रहे हैं। हम अभी एक स्क्रिप्ट की बात करें, बट इतने सारे ड्रामाज आ रहे हैं और हो भी रहे हैं और दिखाया भी जाता है, स्ट्रॉन्ग औरतों को भी दिखाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, ज्यादातर मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं वो दिखाया जाता है। अच्छा, फिल्म वजूद के हवाले से पूछना भूल गया, क्या इसकी नाकामी की वजह दानिश तैमूर थे? बिल्कुल भी नहीं, दानिश तैमूर हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़ा अदाकारा है, तो अदाकार है, तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। और आपने किसने कहा कि ये चली नहीं? नहीं नहीं, आपने कहा वजूद की नाकामयाबी।
आपने कहा ना पैसा डूबा है। नहीं मैंने कब कहा, मैंने कहा फॉरन आपको बोला कि नहीं पैसा तो हमें मिल गया, पैसा यहाँ वहाँ से हमने कमा लिया। हाँ। तो मैंने कहा वो अलग बात है, लेकिन डूबा थोड़ी है वो, टिकट टिकट क्या कहते हैं, डूबा नहीं है, डूबा नहीं है, डूबा नहीं। बॉक्स ऑफिस पे क्या हुआ हाल, वो मैं पूछ रहा हूँ ना, बॉक्स ऑफिस मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई, बात गई अब पुरानी हो गई। फिल्म में आइटम आइटम सॉन्ग जरूरी है? सदफ कमल है, आयशा उमर है, सबा कमर है, नीलम मुनीर है, मैविश हयात है, तो ये इन सब ने आइटम सॉन्ग्स किए किसने? अच्छा, okay. मैं यू हैव टू रेट कि किसने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, सबने बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं ये सारे के सारे, वो तो है, इनको मैं किस तरह रेट करूं? तभी तो रेट करने के लिए दिया है, मैं अब हफीज शेख को बीच में डाल देता तो आप कहती नहीं हफीज सारे नंबर, मैं पॉलिटिकली राइट आंसर दूंगी, सारे नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, ओके, यू हैव टू वोट यस, सब बहुत अच्छे हैं और सब बहुत अच्छे, फिर पॉलिटिकली करेक्ट हैं आप, लास्ट पे रखा है, ये खबर निकाल दी नीलम मुनीर 0.5, अब नीलम ही नहीं, आप हॉट सीट पे होते हैं आपको भी बताओ होने वाला। अच्छा नीलम मुनीर अपने आप को 5 रुपए कर देती, नीलम तो मुझे 5 रुपए कर देना, 10 रुपए कर देना, बैलेंस आउट कर देना। राइट, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट, मुमल शेख आज हमारी मेहमान है, हफीज शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ये बताइएगा कि एक फायदा होता है कि अगर आप जावेद शेख साहब की बेटी हैं, बहरोज सजवारी आपके अंकल हैं, या इसका प्रेशर और नुकसान ज्यादा होता है एक एक्टर को? आई थिंक प्रेशर ज्यादा होता है, थिंक आई नो इट, प्रेशर ज्यादा, मतलब लोग आपको उनसे जज करते रहते हैं हमेशा, या आपको उम्मीदें ज्यादा होती हैं, उम्मीदें ज्यादा, बल्कि मैं कोई एक इंटरव्यू देख रही थी कि एक ऐसी हमारे लिए परेशानी की बात है, अगर हम अच्छा काम करते हैं इनके तो खून में है तो कर ही लेंगे, हम बुरा काम करते हैं बस देखो एक्टिंग आती नहीं है वजह से तुमने कहीं देख, कितनी बिल्कुल करेक्ट बात बोली है कि वाकई में अगर एप्रिसिएशन बोलेंगे, चलो आधे लोग तो ये बोल देंगे खून में इनके तो कर ली एक्टिंग, आपके लिए हर तरह से चैलेंज है, हर तरह से चैलेंज है, सो पीपल थिंक कि बहुत आसान है कि आपके फादर या आपके मदर इस फील्ड में हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं जो इस तरह से इस फील्ड में हैं तो वो बिल्कुल भी आसानी नहीं। वैसे इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है? आई डोंट थिंक सो, नहीं है, आई डोंट थिंक सो, ओके, That's my personal. That's your view. ये आपने देखा है इंडस्ट्री में। जरा ये बताइए कि आप कैसे जीतेंगे कल? आप पे तो इतना तनकीद हो रही है, कितना बेड़ा गर्क कर दिया है। देखिए ये मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ, मैंने जब भी बजट बनाया है मैंने ऐसे नहीं बनाया, सारी दुनिया का बजट देखा है उसके बाद बनाया है, यहाँ तक कि मैंने देवदास का बजट देखा है, उसमें जो माधुरी ने जो लहंगा 35 लाख का पहना हुआ था वो देखा, उसका बजट देखा, 17-17 जनरेटर्स चलते मुझे थे, समझ आ गई क्यों लोग कहते हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, समझ आ गई मुझे, डाला अल्लाह अल्लाह, मुझे समझ आ गई है शेख साहब, नहीं तो आप मईशत आपकी इकोनॉमी को उठाना, स्टेप बाय स्टेप आप इकोनॉमी को उठा, सही है, पहले फेज में मैंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कहा आप लोग आपस में कमेटियां डालें आपकी माशी हालत बेहतर होगी, ओके, उसके बाद वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, फिर हमने जब भी बजट बनाया इंतहाई गरीब आदमी को देख के हेलीकॉप्टर सस्ते किए, स्पोर्ट्स कार सस्ती की, क्योंकि गरीब सभी जब गरीब हो जाएंगे तो फिर गरीब को देख के बजट बनाएंगे ना आप, नहीं आप समझे नहीं, गरीब का बच्चा ही तो देख के खुश होता है, वो देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो देखो स्पोर्ट्स कार जा रही है, इतना ख्याल है खुश करने की, बहुत बहुत ख्याल है आपको, हाँ सही है, मैं समझ गया, तो आई डोंट थिंक इसमें, ठीक है। अच्छा मॉर्निंग शो भी आपने किया, आपने होस्ट भी किया, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही जबरदस्त, होस्टिंग मुझे बहुत पसंद है, और शादियां कराना मॉर्निंग शो पर नहीं वो इतनी खास नहीं और इतनी हुई भी नहीं थी मेरे शो पे, इतनी मतलब 2-4 करा लिया, नहीं आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई डोंट थिंक सो हमारे शो में ऐसा कोई, तो और क्या करवाया आपने मॉर्निंग शो में, मतलब फैशन शो करवाया,
मेकअप का कंपटीशन होता है वो करवाया? नहीं, वाज अ न्यूज चैनल सो एज सच इतना ही सब कुछ नहीं था, बल्कि ब्राइडल शो वगैरह ये कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं था बिकॉज़ इट वाज नॉट एन एंटरटेनमेंट चैनल आई गेस, इसकी वजह से शायद ये सब कुछ नहीं, मतलब एक डिसेंट मॉर्निंग शो था, बाकी भी डिसेंट है, लेकिन बाकी भी डिसेंट है, बट आई थिंक सो ये सब कुछ डिसेंट, आई मीन के वो न्यूज बेस्ड था, आप दिखाते ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि आप की आवाम को देखना भी होता है ना, आप ऐसे तो नहीं लगा रहे हो हर रोज और आपकी रेटिंग्स ना आ रही हो और आप लगाए जा रहे हो, राइट? ये हमारी कुछ मॉर्निंग शो होस्ट हैं, बेहतरीन, सबने बड़ा जबरदस्त काम किया है। आप मुझे कौन से कंपटीशन आके क्या है? मुझे लगता है कि आपको सारे नंबर वन है, मुझे लगता है कि आपको जज होना चाहिए था कहीं पे। अच्छा, ये सवाल आपके लिए नहीं, नहीं, वैसे मैं सुनता आज नाज़रीन, मुझे होस्टिंग होस्टिंग आ गई एकदम से, नाज़रीन मेरे साथ बैठे हैं शहजाद साहब, और आज का सवाल उनसे ये है कि पांच, क्योंकि वो खुद भी एक होस्ट है, आज हम उनसे पूछते हैं और उनको हॉट सीट पे रखते हैं कि पांच होस्ट हैं शहजाद साहब आपके आगे सामने, आप प्लीज इनको रेट करें 1 to 5। मैंने ये दूसरों को भी दिखाना है मैंने ये, तो मैं अगर पहले ही अपनी जजमेंट दे दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल मजा आएगा, आप फिक्र नहीं करें, हर चीज में मजा हमारी आवाम लेगी, तो प्लीज जवाब दीजिए और पॉलिटिकली राइट ना होए। आप हॉट सीट पर हैं, अभी हॉट सीट मैंने आपकी तरह दे दी क्योंकि मुझे होस्टिंग याद आ गई, क्यों फंसवा रही है, जल्दी से जवाब दे, देखिए जिस तरह आप मुझे फंसा रहे थे इसी तरह जल्दी से प्लीज। अच्छा जी, आई थिंक आई वुड गो फॉर नादिया खान, एक पायनियर भी है, दूसरी शी इज वेरी स्पॉन्टेनियस, एब्सोल्युटली। ओके जी, नंबर 1 हो गई नादिया खान, नंबर 2 जी, नंबर 2 फंस गए, देखा से नंबर 1 तक ही रखते हैं। नहीं नहीं, देखिए आपको दिए, आप 5 आप बता दे, 3 मैं बता दूं। नहीं नहीं, आपको ही बताने का, अभी हॉट सीट आपकी तरफ पलट चुकी है, प्लीज जल्दी से। प्रोबब्ली डॉक्टर शाइस्ता, डॉक्टर शाइस्ता नंबर 2। ओके जी, अब रह गए सनम जंग है, निदा है, साहिल लोधी, साहिल लोधी नंबर 3 पे आ चुके हैं, और निदा यासर और सनम जंग पे चौथे और पांचवे की लड़ाई, नहीं नहीं, एक चौथा एक पांचवा, बस चार पांच ही तो है, सनम जंग फोर्थ एंड निदा। मैं वैसे फ्रैंकली बताऊं, मेरी आई लव यू, मेरी जजमेंट इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मॉर्निंग शोज नहीं देखे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं सुबह उठता ही नहीं हूँ तो कहाँ से। अच्छा, ओके, रिपीट पे वैसे 11 बजे चलते थे। अच्छा, अब आप बताइए, चले सवाल आपके लिए था, मैंने अब नहीं नहीं, मेरा नहीं, मेरा ये सकत आपका था, थैंक यू सो मच, प्लीज इसको हटा दीजिए, नेक्स्ट सवाल तो मतलब जी। तो ये तो बड़ा आसान है, मैं बता सकता हूँ, प्लीज बताइए, प्लीज प्लीज, ये शाहरुख खान नंबर 1 पे, शाहरुख खान नंबर 1, साहिल लोधी। अच्छा, आप समझती हैं कि साहिल लोधी शाहरुख खान है, वो कह रहे हैं तो मैं उनकी बात को, शाहरुख खान कहा था आपने, फौरन साहिल लोधी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा तो उनकी बात को तो नहीं, ये क्या बात है, वो उन्होंने ठीक पकड़ लिया, अब आप बताएं, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा शाहरुख खान तो मैंने शाहरुख खान बोल दिया, बिकॉज आपने थोड़ा आपने नेशनल टीवी पे ये बैठ के कह दिया कि साहिल लोधी शाहरुख खान को कॉपी करते हैं, नेवर, ऐसी बातें कर रही है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात बातें कर रही है, बड़ा आर्टिस्ट है, कुछ नहीं कहा, वो बड़ा आर्टिस्ट है, शाहरुख उसको कॉपी करता है, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे साहिल लोधी बहुत अच्छे, मतलब ये कौन सा आपको कल को पकड़ के कहेंगे, याद तो नहीं कह दिया, सनम जंग 1 नंबर 2, निदा नंबर 3, नादिया नंबर 4, शाइस्ता नंबर 5, सिंपल इजंट इट। अच्छा, सवाल आपके मजा आपके जवाब में आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जावेद साहब की आपने तमाम फिल्म देखी हैं? नहीं नहीं, तमाम नहीं, क्यों? बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ है तो बहुत ज्यादा। शहजाद जब हमारे शो पर आए थे, ये सवाल हमने उनसे भी किया था, आपसे भी करते हैं कि जितनी फिल्में आपने उनकी देखी हैं, सबसे ज्यादा पेयरिंग आपको जावेद साहब की किसके साथ अच्छी लगती है? ठीक है, हाँ जी, बाबरा शरीफ है, नीली है, डेफिनेटली नीली, नीली के साथ, शहजाद शरीफ बाबरा आंटी के साथ भी, दोनों आप दोनों की सेव चीज़ ऐसी, उन्होंने कहा वैसे तो ऑन स्क्रीन इनकी नीली के साथ ज्यादा हिट होती थी फिल्म्स वगैरह, लोग पसंद करते थे, बट पर्सनली उन्होंने कहा मेरी फेवरेट बाबरा शरीफ, बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपका भी है, मेरा भी है, सही, ये कुछ एक्टर्स हैं, अब ये आपने रेट करने, मैंने नहीं करने, मेरी कोई औकात नहीं इनको रेट करने की, आप एक्टर हैं, आपको पता होगा अदाकारी के बारे में, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, दानिश जुनैद मिकाल एसन अदाकारी, जी जी, बेटर एक्टर या मेरे बेटर दोस्त, नहीं या बेटर गुड लुकिंग या बेटर क्या, नहीं नहीं अदाकारी, अदाकारी, ओके ठीक है, वैसे अच्छा है, गुड लुकिंग में भी कर दे, मुझे कोई इशू नहीं, नहीं नहीं सारे गुड लुकिंग है माशाल्लाह से, अदाकारी में 1 to 4, अदाकारी नंबर 1 एहसन खान, ब्रेक पे जाना है मेरे ख्याल से आपको, नंबर 3 पे दानिश मिकाइल एंड जुनैद, नंबर 2 मैं सारे, नंबर 2 सॉरी, नंबर 2 पे सब और एसएम सारे, दो नंबर मतलब दो नंबर पे, सेकंड नंबर पे, सेकंड सारे सेकंड नंबर पे, मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं मैंने भी कुछ नहीं बोला, मतलब आई आपने कुछ बोल दिया है, बट सेकंड है सारे, नहीं सारे, मैं तो मैं सबको देखता हूं, पर सबका बड़ा फैन हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब आती है बारी एक्ट्रेसेस की, यहां ज्यादा मजा आएगा, यहां फड्डे का इम्कान है जी,
नंबर वन इकरा, नंबर टू आयजा, नंबर इज दैट मावरा और उर्वा, दैट्स मावरा, शी इज आल्सो वेरी गुड, सना इज आल्सो गुड, वो खास शक्ल बना के आपने नहीं कहा शी इज वेरी गुड, नो नो शी इज आल्सो गुड बट शी इज आल्सो गुड, सो आई एम लाइक आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, आई विल कीप नंबर वन इकरा एंड आयजा, आई विल कीप नंबर टू मावरा एंड सना, राइट, ओके देखें आसान था ना, बिल्कुल। अच्छा आपने इंडिया में फिल्म की जी, क्या नाम था आपने बताया था थोड़ा सा, हैप्पी भाग, भाग, भाग जाएगी, भाग जाएगी। तो वो पाकिस्तान में एक तो रिलीज नहीं हो सकी, बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो सकी, और दूसरा आपको लगता है कि वो रिलीज हो जाती यहाँ पे तो शायद आप ज्यादा बड़ी स्टार हो जाती पाकिस्तान, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ज्यादा हो जाती या कम हो जाती, उनका इम्पैक्ट इंडस्ट्री का ज्यादा है ना ऑब्वियसली, बिल्कुल है, बिल्कुल नो डाउट है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर वो लग जाती तो कुछ इम्पैक्ट हो जाता, बट मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लगे, और बल्कि आप सोचें कि मुख्तसर सा एक किस्सा सुनाऊं कि सुबह रात में प्रीमियर शो था और मेरी पहली फिल्म एंड प्रीमियर शो एंड यू नो एक होता है कि रेड कारपेट होगा, एवरीथिंग वाज रेडी कि मैंने क्या पहनना है क्या है एंड एवरीथिंग, सुबह 9 बजे नादर ने मेरे हस्बैंड ने बोला कि बाबा की कॉल आई आपको बुला रहे हैं, मैंने कहा क्या हुआ, आई मीन ऐसी कौन सी बात है, मैं खैर 10-11 बजे बाबा के पास पहुंची, सो उन्हें बड़े आराम से मुझे बिठा के बोला कि पता नहीं मैं कोई बुखला जाऊंगी या कुछ टेंशन में आ जाऊंगी या रो पड़ूंगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ हालात उस वक्त ख़राब हुए थे रिसेंटली एंड उन्होंने कहा कि उस वजह से आपकी फिल्म जो है वो आज रात प्रीमियर, अच्छा वो लास्ट मोमेंट डिसीजन था, लास्ट मोमेंट, लास्ट डे, सुबह प्रीमियर था, रात को प्रीमियर था, सुबह को ये चीज सब कुछ, तो आप बाकी परेशान भी, दिल परेशानी हुई, दिल दुखा बिल्कुल हुआ, इंसान हूँ होता है, बट देन अंडरस्टैंड भी करना पड़ा कि अगर मुल्कों की बात है तो ऑफकोर्स हम तो पाकिस्तानी, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में फिल्म रिलीज होती है आई एम श्योर आप प्रोड्यूसर से पैसे ज्यादा मांगती है इसके बाद अगले प्रोजेक्ट्स के, हाँ वैसे ऐसे होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे हमारे सिंगर्स हैं जब वो इंडिया जाते हैं परफॉर्म करते हैं ऑन अ लार्जर स्केल या दुनिया भर में जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो दे चार्ज मोर मनी इन पाकिस्तान, They become global stars. मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं किया ना, भूल गई, देखें। मैं पहले आपके शो पे आ जाऊं। आपका आखिरी ड्रामा है ये? हाँ, exactly, exactly. ड्रामे तो आप करती रहेंगी? करती रहूं, इंशाल्लाह। ड्रामे मतलब टीवी वाले ड्रामे, वो वाले ड्रामे नहीं कर रहा जो ये ड्रामे कर रहे हैं। यार मुझे क्यों इन्वॉल्व, अच्छा मैं एक चीज सोच रहा था, फिल्मों के बारे में मैंने सुना है कि ये तो चीनी के थैले के ऊपर भी नमक लिख के रखते हैं कीड़ियों को धोखा देने के लिए। अच्छा आपको पता है कि जावेद साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, ये पता है आपको बात? उनका सबके साथ है, आसिफ साहब के साथ ज्यादा है? नहीं उनका सबके साथ है as far as I know and I remember. आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब आपके वाले साहब को कहते क्या है, किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं आप बताइए, आपके वाले ने बाबा ने पूरा किस्सा सुनाया था कि जब जरदारी साहब के साथ वो गाड़ी में लेके गए और तो उसमें उन्होंने बताया था कि आसिफ मुझे आसिफ अली जरदारी क्या कह के पुकारते थे, हीरो कहते थे, हीरो, यस हीरो, बिल्कुल बिल्कुल हीरो, तो वो उनके आपके भी मरासे में उनके बच्चों से बिलावल से या आसफा से या बख्तावर से कोई है? नहीं नहीं, नहीं वो बस अब्बा के लेवल तक ही है। हाँ हाँ सही, ठीक है अगले आपको दिखाते हैं कुछ क्रिकेटर्स हैं हमारे, क्रिकेट का आपने कहा शौक भी रखती हैं आप, थोड़ा 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 थोड़ा, तो ये एक्शन है आपने ये भी जब आउट करते हैं ना बॉलर्स हमारे खासतौर पे फास्ट बॉलर्स तो उनका एक कोई ना कोई एक साइन ऑफ होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है आपको बताना है इससे बेस्ट कौन सा है? ठीक है शोएब अख्तर, जहाज जो उनका जो जहाज है और फिर इसके बाद शाहिद आफरीदी, ये आपकी फेवरेट प्लेयर्स हैं जी? राइट, दोनों दोनों। अच्छा अब अगर आपको ऑफर आती है हालात बेहतर हो जाते हैं और इंडिया से आता है आपको ऑफर कि आप आए फिल्म करें, पहले भी आप कर चुकी हैं तो फिर आप कर लेंगी, हालात नॉर्मल है, न्यूट्रलाइज है? आई मीन इसमें जो इंडिया से क्या कहीं और किसी मुल्क से भी आए तो व्हाई नॉट, और वो मुल्क हमें बुलाए या हम उनको बुलाएं ये तो एक आर्ट है, राइट? ये तो शुड हैव नो बाउंड्रीज, एंटरटेनमेंट हैव शुड हैव नो बाउंड्रीज एट ऑल, राइट? मोमल थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो पर आई और बहुत अच्छा लगा, अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है आपकी कमिटमेंट है इसलिए हमें आपको खुदाफिस करना पड़ेगा, वैसे ही आपसे ज्यादा टाइम ले लिया है, ज्यादा पैसे ना मांगिएगा इसका पहले मैंने बताया था बजट थोड़ा सा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें मेरा मैसेज ये है आखिर में, कोई बात नहीं जीत हार ये, लेकिन मैं हार अफोर्ड नहीं कर सकता, खान साहब हार अफोर्ड नहीं कर सकते आप तो दूर की बात, छोड़ खान भी, बहुत बहुत शुक्रिया
जश्न क्रिकेट देखने के लिए आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।